देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहिनी सिकरवार और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। फिरोजाबाद में आज भी बहुत से स्कूल हैं जिन्हें मान्यता नहीं दी गई है, फिर भी वे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वह केवल हाई स्कूल की क्लासेस चला रहे हैं, बल्कि इंटर तक की शिक्षा भी वहां प्रदान की जा रही है। यह स्कूल वाले किसी अधिकारी की बात भी मानने को तैयार नहीं होते। हम बात कर रहे हैं फिरोजाबाद के आरडीएस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की, जो बिना मान्यता के इंटर कॉलेज की क्लासेस चला रहे हैं। फिरोजाबाद में कूरी कूपा में आरडीएस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, जिसको हाई स्कूल की मान्यता प्राप्त है और बिना मान्यता के वे इंटर की क्लास चला रहे हैं। क्या ऐसे में इस तरह के स्कूल बिना मान्यता के क्लास चला सकते हैं? बच्चों का भविष्य इन स्कूलों पर टिका है और ऐसे में यही स्कूल छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते नजर आते हैं। वहीं जब जिला अधिकारी ने आज सर्दी के चलते 8th क्लास तक के स्कूलों का अवकाश किया, फिर भी यह स्कूल खुले दिखाई दिए। क्या नाम है आपका? वंशिका। वंशिका, आपके स्कूल का क्या नाम है? आरडीएस इंटर कॉलेज कुर्री कुपा फिरोजाबाद। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं बेटा? सेकंड। सेकंड में। अच्छा, आज आपको पता है यहाँ स्कूल की छुट्टी थी, आप यहाँ पढ़ने आई हो, तो छुट्टी है स्कूल की, आप फिर भी स्कूल आई हो? आज स्कूल खुला है ना आपका? सर ने बताया नहीं आपको आज की छुट्टी है? नहीं, नहीं बताया। अच्छा, तो ये बताइए, आप आज जब स्कूल में आ रही थी तो सर्दी थी? कितनी सर्दी पड़ रही है? सुबह ठंड लगती है, सुबह आते में सर्दी लगती है। अच्छा जी, सर क्या नाम है आपका? मेरा नरेश नाम है। नरेश जी, आप यहाँ कौन सी क्लास के बच्चों को आज यहाँ पढ़ा रहे हैं? सिक्स क्लास। आपको पता है आज जिलाधिकारी ने ये आदेश किए हुए हैं कि छोटी क्लास के बच्चों की छुट्टी की हुई है सर्दी की वजह से, उसके बाद भी आपका ये स्कूल खुला? कौन सा स्कूल है? आरडीएस इंटर। आपको पता नहीं है स्कूल बंद है जिलाधिकारी के आदेश के बारे? हमको पता नहीं। आपको नहीं पता? कितने तक क्लास लगती है? हाई स्कूल तक। हाई स्कूल तक। बच्चियाँ 12-11 की बैठी हुई हैं। हैं? बच्चियाँ 12-11 की बैठी हुई हैं। जी, तो आप प्रणव है? आपके यहाँ प्रिंसिपल का क्या नाम है? सतीश। सतीश जी, वो यहाँ प्रिंसिपल आपके आते हैं यहाँ पर आपके स्कूल में? जो बेटा क्या नाम है आपका? शालू। जोर से बोलो, क्या नाम? शालू। शालू बेटा, ये कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? आरडीएस। आरडीएस में। पूरा क्या नाम है इसका? आरडीएस। आरडीएस नाम है। कौन से है ये? आरडीएस उच्चतर माध्यम विद्यालय। आप यहाँ स्कूल में कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? फर्स्ट ईयर में। तो ये स्कूल कौन सी, कहाँ तक मान्यता है? इंटर तक है या हाई स्कूल तक है? आपको नहीं पता कहाँ तक है? जी सर, क्या नाम? राजेश कुमार। राजेश जी, ये कौन सा स्कूल है? ये आरडीएस उमा विद्यालय। ये कौन सी क्लास तक है? हाई स्कूल तक। यहाँ कौन सी क्लास के बच्चे पढ़ा रहे हैं अभी आप? ये बच्चे अध्ययन के लिए आ जाते हैं ओनली। अच्छा, ये बता रहे हैं हम इस स्कूल में पढ़ते हैं। कौन सी क्लास के बच्चे हैं ये बताएं? ये फर्स्ट ईयर के अध्ययन के लिए आते हैं ओनली, इस स्कूल के स्टूडेंट नहीं हैं। ये वो तो बता रहे हैं इस स्कूल के स्टूडेंट? नहीं, उन्हें इतनी नॉलेज नहीं है। अच्छा, उन्हें नॉलेज नहीं है, फर्स्ट ईयर के बच्चे को नॉलेज नहीं है? हाँ, तो नहीं है, तभी तो वो बोल रहे हैं ये बात, ये ओनली अध्ययन के लिए आते हैं। जी सर, ये आज जिला अधिकारी के आदेश है कि ये छोटी क्लास के बच्चे स्कूल बंद सारे किए गए हैं, आपको पता नहीं है इस बारे में? जो आप स्कूल खोले बैठे हुए, बच्चे सारे पढ़ रहे हैं, क्या मामला? सर, हमें पता नहीं था सर। और ये जैसे हमारे यहाँ हाई स्कूल तक के बच्चे आते हैं और 9th के भी आते हैं, हाई स्कूल वाले भी आते हैं, तो ये बच्चे उनके साथ आते हैं, तो वैसे पता पड़ गया हमें, लेकिन ये बच्चे छोटे बच्चे थे, सर्दी की वजह से हम इनसे यहाँ से वापस करते हैं बच्चों को, तो इन्हें समस्या आती। ये 9th वाले और 10th वाले बच्चे हम रोक लिए थे, अब ये बच्चे अकेले कहाँ जाते हैं, दिक्कत आती आने जाने में इन्हें। इसमें सेकंड क्लास के बच्चे नहीं, ऐसा है जिनके बच्चे साथ ही, उनके छोटे बहन भाई हैं, उनके साथ आते हैं बच्चे। वो आएंगे या पूरी क्लास? नहीं नहीं, हर बच्चे, जो बड़े बच्चे आते हैं उनके साथ, एक छोटे छोटे बहन भाई हैं, एक में कोई, दो में कोई, तीन में कोई, पांच में, ऐसे। आरडीएस, तो हाँ, तो ये बच्चे आते हैं उनके साथ में, तो इसीलिए ये बच्चे हमने रोक लिए थे। अब ये बच्चे जाएंगे, इन्हें आने जाने में समस्या होगी, इसीलिए रोक लिए थे बच्चे ये। अब मेरे को बेस्ट पढ़ाई तो नहीं हो रही फिलहाल में आज,
वैसे अपन की छुट्टी है, लेकिन बच्चों को हमने इसलिए रोक लिया था कि मन घर जाने में नहीं समस्या आएगी, इन्हें अकेले कहाँ जाएंगे बच्चे, ये बात थी। अच्छा, अभी आपने बताया ये स्कूल हाई स्कूल तक है, ये ऊपर जाकर के आपने देखा एक क्लास फर्स्ट ईयर की पढ़ ली है ऊपर, क्या मानना है इसको? और उन्होंने बच्चों ने बताया कि इंटर तक कॉलेज है आपका? नहीं सर, वो बच्चे कह रहे होंगे, लेकिन अभी हमारी इंटर की अभी फाइल पड़ी हुई है अभी, और लेकिन अभी तो मानता हमारे हाई स्कूल की सर। अभी तो बच्चे बता रहे हैं क्या, गलत बता रहे हैं आपको? स्कूल बच्चे फर्स्ट ईयर के बता रहे हैं, ये इंटर तक स्कूल है जो फर्स्ट ईयर? नहीं नहीं, बच्चे गलत बोले अभी, हमारे सर ने आपके टीचर ने बताया, कोई अभी हमारे यहाँ बोर्ड भी नहीं लगाया है, कोई बेसिस ही नहीं है, कोई अभी केवल हाई स्कूल की। क्लास कैसे लग रही है यहाँ पर? कहाँ लग रही है? ऊपर क्लास लग रही है, सर ने बताया आपको? अरे नहीं सर, आप ये तो गलत कह रहे हैं। वो मैं गलत कह रहा हूँ? वो बस सर गलत कह रहा है, वो ये कह रहा हूँ मैं। सर आपके सर जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं उन्हें पता नहीं कहाँ तक क्लास है, कहाँ तक? अरे हाई स्कूल क्लास है सर जी, हाई स्कूल क्लास केवल। टीचर को तो पता होगा ना ये वाली बात? अरे तो भाई कहाँ बच्चे हैं इसमें? आओ, फर्स्ट ईयर की क्लास पढ़ रही है आपके ऊपर? कहाँ पढ़ रही है? फर्स्ट ईयर की बच्चे ने बताया, फर्स्ट ईयर में बच्चे आए हैं जी। मैडम, आज जिला अधिकारी के आदेश थे कि आज सारे स्कूल बच्चों के बंद करके किए गए थे, इसमें एक स्कूल खुला मिला हुआ है जो RDS उचित जो विद्यालय है, क्या क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये कहना है कि जो जिला अधिकारी के महोदय के आदेश से विद्यालय बंद थे, वो 1 से 8 तक का बंद था विद्यालय, और यदि ऐसा कुछ विद्यालय खुला आपको मिला है RDS, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो भी विभागीय निर्देशों का सुनिश्चित कराया जाएगा, अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। मान्यता हाई स्कूल की है और उसके लिए मैं अभी उसके लिए मैं किसी टीम को भेज कर दिखवाऊंगी क्या है प्रॉब्लम। बच्चों ने बोला है वहाँ पर और प्रिंसिपल ने खुद बोला है इसको क्या हाई स्कूल तक है, और बच्चों ने ये बताया है कि हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। तो मैं इस बात की पूरी जांच कराऊंगी, उसके बाद आपको बताती हूँ कि क्या।